पूर्ण परीक्षण करके वाल्मीकि की तरह, ठीक है, तो उसमें उसको अप्लाई करना है मथा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहे हैं, कहता है कि एक रेल 6 बजे सुबह चलती है और दूसरे स्थान पर 4:30 बजे शाम में पहुंचती है। 6 बजे सुबह में चली, 6 बजे सुबह में चली, मॉर्निंग में चली, यहाँ पहुंची 4:30 बजे शाम में, ठीक है। और उसकी चाल जो है, और उसकी चाल जो है वो कितनी है, 40 किलोमीटर बराबर, कितनी है 40 किलोमीटर बराबर है। आपको कह रहा है कि दूरी कितना, डिस्टेंस कितना। तुरे भाई डिस्टेंस तो तभी हो सकता है जब स्पीड के साथ टी पता हो, नहीं स्पीड दे दिया टी मालूम करना हो तो टी कितना हो जाएगा। अभी हम कहें कि 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ाएं तो टाइम कितना कितना घंटा देंगे, 4 बजे 6 बजे सुबह से चला बेचारा 4:30 बजे पहुंचा, कितना घंटा दिया, 6 और 6 12 तो 6 घंटा में 12 बजा और उधर से 4:30 मतलब 10.5 घंटा चला। बोलो अब ऐसे भी 6 से सुबह वाला 6 से शाम वाला 6 में 12 घंटा तो इसमें कितना कम है, तो 1.5 घंटा ने कम है, तो 12 में से 1.5 चला गया, 10.5 होगा तो 10.5 को 21/2 लिख सकते हैं। तो बताओ कि टाइम कितना हो जाएगा, 21/2 आवर। बोलो हो जाएगा 21/2 आवर। तो स्पीड क्या हो जाएगा, देखिए 40 दे रखा है, 4 गुना 21/2 हो जाएगा, 20 दूना 420 किलोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं आप बताएंगे नहीं, ठीक है। कहता है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है और किसी दूरी को 4.5 घंटा में तय करती है, कोई दिक्कत, 80 किलोमीटर से चली और 4.5 घंटा में किसी दूरी को तय किया। कहता है इसी दूरी को 4 घंटा में तय करना है तो स्पीड कितना हो जाएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको बिना कॉपी छुए कलम छुए हम बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं आराम से उसको बनाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि कोई आदमी 2 घंटा में, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, 2014 के सीजीएल, कहता है कि कोई आदमी 2 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है, 2 घंटा में कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो कहता है कि 200 मीटर चलना है तो 200 मीटर चलने में समय कितना लगेगा, 200 मीटर में समय क्या लगेगा, ठीक है, 200 मीटर चलेगा तो कितना समय लगेगा, 2 घंटा में 1 किलोमीटर चलेगा, तो बताओ कि स्पीड कितना है, स्पीड कितना हो जाएगा ए बाई बी, बोलो स्पीड उसकी कितनी है ए बाई बी, और 200 मीटर उसको चलना है, कितना चलना है 200 मीटर, मतलब डिस्टेंस के कितना दे रखा है 200 मीटर, समय पूछ रहा है तो समय ही पूछ रहा है ना, कितना समय, तो समय होता है टाइम, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस और बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 200, स्पीड कितना है ए बाई बी, बी पलट के ऊपर चला जाएगा तो 200 बी बाई बी। सब ये मीटर ही है, किलोमीटर नहीं है, इसको फिलहाल आप मीटर कर ले, अभी मीटर ही करें, समझ में आ रहा है ना, मीटर है, अगर किलोमीटर हो जाए तो कैसे होगा, किलोमीटर बनाओ कैसे हो जाएगा, अगर यह किलोमीटर कितना हो किलोमीटर, तो बताओ कि 200 मीटर है, इसको किलोमीटर में बदल ले तो 200/1000 कर दे, ये कल बताएं 1/5 हुआ, 1/5 किलोमीटर हो गया, बताओ तो 1/5 किलोमीटर जाना है हुआ, और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड है ए बाई बी, है ए बाई बी, सब भाग दे देंगे बी, फिर ऊपर पलट जाएगा, ठीक है, समझ में आया, वैसे मीटर ही है क्वेश्चन, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर भी होगा कोई हर्ज नहीं। चलिए अब फिर देखिए क्वेश्चन, अब बता ले रहे हैं सारा क्वेश्चन करवा दिए। एक बस किसी यात्रा को 12 घंटा में तय करती है, एक बस है किसी यात्रा को 12 घंटा में तय करती है, आरंभ की आधी यात्रा वो 22 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, ये बता दें, आधा वाला होता, अभी एवरेज स्पीड पर आएंगे तो सेकंड में सब उड़ जाएगा, ठीक है, कल चलाएंगे, कल नहीं, जब तक हमको पूर्ण विश्वास नहीं हो जाए कि 6ठा 7वां वाला बन जाएगा तब तक। कहता है एक बस किसी यात्रा को 12 घंटा में तय करती है, तो टाइम कितना, टोटल 12 घंटा, क्वेश्चन करवा चुके हैं सर,
आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर से चलता है, मतलब DY2 जो है वो किससे 22 किलोमीटर पर आवर से चलता है, समझ में आ रहा है। तो आर शेष जो है 26 किलोमीटर से चलता है, तो DY2 अगर चल दिया तो कितना बचा, DY2 ही बचा, आधा चल गया तो आधे में बचा, तो DY2 जो अब बचा है वो 26 किलोमीटर पर आवर किससे 26 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। कोई दिक्कत, तो कह रहा है आपसे तो दूरी क्या है, तो दूरी क्या है, देखो कि आधा आधा दूरी बोल रहा है, मतलब फिर दूरी बराबर है कि ना, यहाँ से अगर यह आधा चल रहा है तो ये अगर D/2 है तो ये भी D/2 है, मतलब दूरी बराबर है, कोई दिक्कत क्या है। तो बेस से पहले देखो, आराम से बनाना है खुद, कॉपी कलम रख के क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे, क्वेश्चन देखें, ठीक है। देखिए टोटल टाइम 12 घंटा लगा है, तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, T1 + T2 क्या हो जाएगा, T1 + T2 टोटल टाइम क्या हो जाएगा, T1 + T2 तो T1 क्या है, तो पहला आधा जाने में लगा समय, ठीक है। T1 क्या है, पहला आधा दूरी जो तय करेगा उसमें समय, T2 क्या है, दूसरा आधा दूरी जो तय करेगा उसमें समय, तो यह दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल समय आ जाएगा ना। हम तो देखो, पहला जो दूरी गया है आधा दूरी गया था D/2 गया, अब उसके लिए स्पीड कितना रखा है 22 किलोमीटर। तो देखो दूरी चाल निकालते हैं ना, लेकिन चूंकि समय की यहाँ टोटल समय दिया हुआ है तो समय के बाद समय बराबर करेंगे, अगर चाल दिया होता तो चाल बराबर कर लेते, तो समय दे रखा है टोटल 5 घंटा, बोलो तो समय दे रखा है तो समय बराबर कैसे आता है। T1 निकालना है तो T1 क्या हो जाएगा, तो T1 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अब बट्टा में स्पीड होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है D/2 बोलो, इसके लिए इसकी स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर है, 10 रुपए 100 रुपया में 4-2 आदमी बांटेंगे कितना हिस्सा पड़ेगा 50, अब फिर जो 2 आदमी बांट लेते कितना पड़ेगा 25, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा D/22 = 44 होगा, हो जाएगा कोई दिक्कत। अच्छा T2 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा फिर D/2 ये होगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा होगा, तो T2 कितना आ गया D/52 आ गया, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। तो अब ये T1 और T2 जोड़े के ना फाइनल निकाला होगा, फाइनल जो टाइम होगा टोटल अभी बता है कुल समय जो होगा, टोटल दूरी जाने वाला समय कहता है कुल 12 घंटा लिया, तो इसका मतलब कि T1 + T2 बराबर है 12 घंटा, बोलो यहाँ कोई डाउट नहीं। तो T1 कितना, D/44 फिर ये हो जाएगा D/52 बराबर 12, सॉल्व कर लोगे कोई दिक्कत यह है, क्योंकि अंकन है सब एक वो डी एन असगर है, इसको इसका करना तो तय है, ठीक है बना लोगे, नहीं बनाओगे तो ऐसे लिख लो 11 × 4 लिख सकते हैं इसको, बोलो 44 को इसको लिख सकते हैं क्या 13 × 4 52 को, इधर से देखेंगे 44 है मतलब 11 × 4 है तो 13 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ से देख लो 52 हो जाएगा, यही होगा, अब 52 है तो 44 हो जाएगा, वैसे 4 कॉमन भी आ रहा है तो 4 हटा सकते हैं, एलसीएम लेकर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं ना, अब वो किरण एसएससी का सवाल है आंसर मिला लेगा, समझ में आया ना, ये बहुत बड़ी बात तो है ना, ले सकते हैं ना, इसमें टाइम बर्बाद करने से कैसे भी कर सकते हैं उसको, जैसे मन होगा वैसे, कहता है कि एक आदमी एक स्थान से ये क्वेश्चन आपके लिए अगर बना दिए तो समझ जाइए कि देश में आप कमाल करने वाले हैं, ठीक है, बेसिक आपका धीरे धीरे बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन है कि एक आदमी एक स्थान पी से क्यों जाता है, क्या जाता है पी से क्यों, कोई दिक्कत, तो कहता है तो 7 घंटा टोटल लगाता है, कितना लगाता है 7 घंटा टोटल लगाता है, टोटल टाइम कितना लेता है बोलो, टोटल टाइम कितना लेता है 7 घंटा, करता है कि अगर 1/4 वो चलता है, ठीक है हो गया सर जी लोग पढ़ा लिए क्लास को, दिलीप सर पढ़ा लिए हो गया उसमें चेंज करते
आप चेंज कर लीजिए ना, हम खुद अपना वाला पढ़ा लेंगे। भाई तो बोल ले पहले से, टोटल टाइम जो है वो 7 आवर का है, ठीक है। वैसे भी हम कंबाइन नहीं पढ़ाएंगे, प्रोबेबिलिटी और पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल टाइम कितना है? 7 घंटा। तो अब ये समय था हम कुछ कुछ नहीं चल रहा, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कि दो गो बार टाइम वाला होगा, दोनों को जोड़ दिए होंगे तो टोटल टाइम आ गया होगा। कहता है अब आराम से सुनना है कि दूरी का 1/4 भाग वह 10 किलोमीटर/आवर के स्पीड से चलता है। दूरी का 1/4 भाग, आप यकीन रखिए कि हम कलम नहीं उठाने देंगे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी अगर वैसा सीधे कैसे सोचेंगे वहाँ बताएं तो कुछ नहीं सोच पाइएगा, और उस वक्त जब ये पढ़ाने के बाद सोचेंगे तो हमसे पहले सोच पाइएगा, ठीक है। तो कहता है दूरी जो गया ना उसका 1/4 भाग, मतलब डी का 1/4 जो था उसके लिए वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर/आवर कितना रखा है? 10 किलोमीटर/आवर। कोई दिक्कत? अरे हिलाओ मत। तो डी बाई फोर जो है वो 10 किलोमीटर से, कहता है शेष, अब शेष लगा दिया, शेष के लिए कह रहा है कि 12 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाता है। कितना से? 12 किलोमीटर/आवर, ठीक। अब बताओ कि डी है कोई, हाँ मान के चलो कि एक्स रुपया है किसी के पास, एक्स बट्टा उसका 1/4 भाग निकाल दिया, तो एक्स का 1/4 भाग निकाल दिया, बोलो तो कितना अब बचा है उसके पास? तो कितना एक्स माइनस एक्स बट्टा चार निकल गया, तो कुछ नहीं बट्टा में 4x-x मतलब कितना? 3x/4, यही ना बचा 3x/4। तो वैसे ही d में से अगर हुआ d by 4 चला गया होगा, इसका मतलब क्या कि d by 4 यही ना, d by 4 चला है 10 किलोमीटर/आवर के स्पीड से, कोई दिक्कत? तो कह रहा है शेष, शेष का मतलब क्या? जब 3d/4 बचा, बोलो यही ना बचा होगा, वो किससे चला? 12 किलोमीटर/आवर। समझ में आ रहा है? बन जाएगा, नहीं बनेगा? बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है? अच्छा, इतना वक्त है आपके पास कि आप ऐसे सोचना है, आपको कैसे सोचना है? जब ये कहेगा ना कि किसी दूरी का 1/4 भाग, मतलब टोटल था 4, उसमें से 1 चल गया, टोटल था 4, जब जब बेस में देगा तो टोटल था 4 और उसमें 1 चला, तो 4 में से 1 चल गया, कितना बचा? 3 ना बचा, आप बट्टा थमे तो वही है, समझ में आ रहा? तो सीधे 3/4। हम कहेंगे कि डी था अब 5 1/5 भाग चल गया, नहीं 2/5 भाग चल गया, तो 5 था 2 चला गया, तो 5 में से 2 चला गया, 3/5 बचा। हम कहेंगे कि 12 किलोमीटर था उसका 1/3 चला गया, तो 12 है।